वेलकम टू माय चैनल साइकेडमी, दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कुछ और फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसीज के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं, फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन अपडेट आती है, सारी वैकेंसी की अपडेट मिलती है आपको हमारे चैनल अमर सर एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में, यहाँ पे फार्मासिस्ट की बंपर वैकेंसी आई है। जी हाँ, 400 फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में बात करेंगे। और सेकेंडली हम बात करेंगे, देखिए काफी सारे स्टूडेंट का मैसेज रहता है कि सर मेडिकल कोडिंग में यहाँ पे कोई कंपनी को बताइए जहाँ पे वैकेंसी आ रखी है और हम फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले एक बड़ी वैकेंसी आई है, बंपर वैकेंसी। क्या इसकी एलिजिबिलिटी, इसके बारे में जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस, यहाँ पे जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में सेकेंड नंबर पे देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है कर्नाटका लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये 2/9/2022 का ही नोटिफिकेशन है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं फार्मेसी की वैकेंसी के बारे में। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो इंग्लिश में हम पढ़ पा रहे हैं। देखिए 400 है ना, बंपर वैकेंसी है, 400 फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। मस्ट हैव पास फ्रॉम SSLC इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मस्ट हैव ID डिप्लोमा फार्मेसी, डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है। एंड नेक्स्ट, यहाँ जी हाँ, यहाँ पे कैंडिडेट जो है वही एलिजिबल है जो कर्नाटका फार्मेसी काउंसिलिंग से रजिस्टर्ड है। कर्नाटका फार्मेसी काउंसिलिंग से डी फार्म बी फार्म फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल है, क्योंकि एज सच यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ मांगा नहीं है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन जो भी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं उसको मैं PDF लिंक में डाल दूंगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, जिनका भी कर्नाटका फार्मेसी काउंसिलिंग से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि काफी सारे फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, काफी फ्रेशर कैंडिडेट इंटरेस्टेड बताते हैं सर कि हमें मेडिकल कोडिंग में जाना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, इस वीडियो के एंड में इधर एक आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि मैंने डिटेल में समझाया था कि मेडिकल कोडिंग आखिर है क्या, है ना, और फार्मेसी सेक्टर का इसके किस हिसाब से करियर बन सकता है। तो इस वीडियो को आप जरूर चेक करना, इस वीडियो के एंड में ये यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, उसके बाद में आप जान पाएंगे डिटेल में मेडिकल कोडिंग है क्या। तो अभी रिसेंटली देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसी कंपनी में, है ना, इसी कंपनी में वॉक इन एंट्री फॉर मेडिकल कोडर वी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आ रखी है। चेन्नई, बेंगलोर में, हैदराबाद में इसकी लोकेशन है, अलग अलग जगह। इसका वॉक इन इंटरव्यू 9-10-11 सितंबर को 10-5 PM वी टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑफिस में ही इसका इंटरव्यू है, जो कि चेन्नई में है, ठीक है। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि चेन्नई से बिलोंग नहीं करते या फिर इस इंटरव्यू को अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा, देखिए आप जब भी अगर मेडिकल कोडिंग में आप जाना चाहते हैं तो ये वी टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे इसके करियर सेक्शन में, करियर ओपनिंग में हेल्थ केयर में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए काफी सारी वैकेंसीज आपको दिखेगी मेडिकल कोडिंग की, है ना। एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट चाहिए जिसमें कि फ्रेशर एक्सपीरियंस कार्य, अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पे वैकेंसी आई, तो अभी फ्रेशर के लिए नहीं है। बाकी मेडिकल कोडर, मेडिकल पैथोलॉजी, मेडिकल कोडर, IPDRR बेंगलोर, ट्रिची, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है 10 है, है ना। तो ये सारी वैकेंसी जो आती रहती थी, 100 वैकेंसी है मेडिकल कोडिंग। तो मेडिकल कोडिंग के जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं आफ्टर बी फार्म एम फार्म, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, काफी सारे आने वाले वीडियोस में भी मैं काफी सारी कंपनीज का नाम बताऊंगा जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं ना। तो वी टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम याद रखना, इसकी लिंक भी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी हाल ही में इसकी चेन्नई में वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है चेन्नई से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे इंटरव्यू भी दे सकते हैं। बाकी फ्यूचर में आप यहाँ पे अपना जो भी एलिजिबिलिटी आप देख पा रहे हैं तो इस हिसाब से, ये देखिए कॉन्टेक्ट में बहुत सारे ईमेल एड्रेस है और आप सूटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे अपना रिज्यूम भी सेंड कर सकते हैं। चलिए, तो ये भी एलिजिबिलिटी हमने देख ली, पूरी बम्पर वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी एक महीने पहले ही 889 पोस्टें जो आई थी लगभग तमिलनाडु सरकार में, है ना, तो स्टेट वाइज बम्पर वैकेंसी आ रही है। और काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर MP में, UP में, राजस्थान में और गुजरात में, और इधर कब आने वाली है, तो देखिए बहुत जल्द यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकती है, काफी सारे इस अलग अलग स्टेट में तो मिल ही रही है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप चिंता ना करें, पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, पूरी हेल्प करूंगा, कैसे पास करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, पूरी डिटेल मिलती है आपको हमारे चैनल, क्योंकि आप जानते हैं फार्मा रिगार्डिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन अमर सर एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।